के रेत का गजब कारोबार। रेत के इस खेल में जब महिला प्रधान आकर्षक ने खोली पोल तो पुलिस ने उसकी न केवल मारपीट की है बल्कि उसकी वर्दी तक भी फाड़ डाली। और रेत के कारोबार के लिपत महिला आकर्षक ने कहा है कि पुलिस के प्रति मां देती के हेतु एंट्री महिला प्रधान के आकर्षक रेत कारोबार के चलते चार ट्रैक्टर ट्राली महिला प्रधान आकर्षक कतवाली में पदम के साथ। जी हां, आपको बता दें कि ये टीकमगढ़ जिले की है जहां पर एनटीजीटी के एवर शासन के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद भी खुलेआम चल रहा है रेत का काला कारोबार। इस खेल में राजनेताओं नाव के द्वारा भी पुलिस के अशुति ने लिया और इसकी पोल खोल दी गई है। आज एक महिला का प्रधान आकर्षक के उस समय खोल दी गई है जब पुलिस ने उसके ट्रैक्टर को पकड़ लिया था। अपने ही सहकारियों के द्वारा फाड़ी गई थी वर्दी और मारपीट की गई है। अहल मेले का आकर्षक उसी पुल पहुंच गया है और एसएसपी के पास, लेकिन एसएसपी ने एक नहीं सुनी है और वह कहा है कि पूरे मामले की जाँच के बाद ही होगी कार्रवाई। घर पे जुर्माना हुआ वो भाई 5-6 दिन पहले से घर पे भरी रखी थी। घर से जी ट्रैक्टर उठा लिया है, हम रुक रहे थे कि इनका जुर्माना हो चुका है, हम बेच नहीं रखे हैं, ना ले जाओ। जबरदस्ती हम पीछे आ रहे थे कि नहीं सर हमारा ट्रैक्टर ना ले जाओ। हम होते ही जो खड़े हो गए, हमने अपने ट्रैक्टर नहीं ले जाना, उसने महिलाओं को बुला के और साहब मैं मारपीट करवाई और मेरे ब्याह में जबरदस्ती पटक रही थी। सो हमने कि नहीं हम नहीं जाए, हम ड्रेस लगाए। हमने कौन सा अपराध किया? बच्चन के नाम ट्रैक्टर है, बहू के नाम ट्रैक्टर है। हम तो नौकरी कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चन को नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हैं। और हम निवेदन करते हैं, आप पहले कागज देख लो कि हमारे जुर्माना भाव कर, लेकिन भी नहीं माने। इनने हमें कम से कम 4-5 गाड़ी पुलिस की होती है, इन्होंने लोगों ने हमें होता ही हमें भेजी थी करी है हमारे कपड़ा पटवा। तो आप साहब के पास शिकायत कर रहे हैं? बैठे हैं हम, कितने मर जाए। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? हाँ तो सबरे सूबेदार जेंट्स और सूबेदार लेडीज और नीतू सर सतीश की पूरी पार्टी सब लोग हदे बिल्कुल। इन पुमले लान बुला के और हमें मारपीट करवाई इनने। कोई पैसे ऐसे की मांग कर रहे थे क्या आपके साथ? हम तो देते है ना, हमें एंट्री देते है हर महीना। कितने ट्रैक्टर है आपके? हमारे बहू के नाम है 2, एक लड़की के नाम है 1, हमारे ड्राइवर के नाम है 4 ट्रैक्टर है। इनके आपने चालान पे इनका आपने भुगतान पहले कर दिया था? कर दिया, घर पे रखे थे तो घर से उठा लाया आप। हाँ रही है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर वैधानिक और भागी दोनों तरीके का भी किया। उस गाड़ी वाला तो खुलेआम इल्जाम लगा रहे थे कि मैं पुलिस को एंट्री देता हूँ। मैंने कहा ना उसके सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक विभागीय और लीगल दोनों कार्रवाई की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।